करें तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल लीटर इनवर्स, मीथेनोइक एसिड इज 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट को देखो, यानी कि इस बार लेमडा एम का वैल्यू दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया हुआ है, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा निकालना है एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के का निकालना है, एंड गिवन लेमडा नॉट एच प्लस का वैल्यू दिया हुआ है एंड लेमडा नॉट एच सी डबल ओ माइनस का दिया हुआ है। देखो डाटा को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप बताओ सी या इसी को एम कहेंगे, इसका वैल्यू कितना है? 0.025 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस यानी लेमडा एम का वैल्यू दिया हुआ है, ये बताओ कितना है? 46.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ लेमडा एम है मोलर कंडक्टिविटी, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग बनाए थे वहाँ पर वैल्यू दिया हुआ था कंडक्टिविटी का, और यूनिट देखो यहाँ का है द कंडक्टिविटी और इनका यूनिट क्या है? सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। जबकि अभी जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी है, देखो लिखा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी और इनका यूनिट है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर कंडक्टिविटी को लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लेमडा एम का वैल्यू ये दिया हुआ है, सी और एम का वैल्यू दिया हुआ है। अब आगे आपको लेमडा एम नॉट का वैल्यू निकालना होगा पहले, इसके बाद में अल्फा का वैल्यू निकालना होगा और इसके बाद में फिर निकलेगा के का वैल्यू। देखो यहाँ मीथेनोइक एसिड है तो कोहलरॉचला अप्लाई होगा, लेमडा नॉट एच सी डबल ओ एच इट वुड बी इक्वल टू लेमडा नॉट एच सी डबल ओ माइनस प्लस लेमडा नॉट एच प्लस। एच सी डबल ओ माइनस का देखो वैल्यू पता है 54.6 और H प्लस का वैल्यू दिया हुआ है 349.6। दोनों के वैल्यू को ऐड करते हैं, 349.6 प्लस 54.6, ठीक है ना वैल्यू 349.6 एंड 54.6, ये वैल्यू आ गया 404.2 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब जब आपको लेमडा एम और लेमडा एम नॉट, यहाँ लेमडा एम नॉट का वैल्यू है और यहाँ लेमडा एम का, दोनों पता है, अब अल्फा निकाल लेते हैं हम लोग। बताओ अल्फा का वैल्यू क्या होता है? ठीक है, लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट, लेमडा एम का वैल्यू कितना निकला है? 46.1। यहाँ वैल्यू लिखे 46.1 डिवाइडेड बाय 404.2। ये किसका वैल्यू निकलेगा? अल्फा का। डिवाइड करते हैं 46.1 डिवाइडेड बाय 404.0.114, ये अल्फा का निकला। और जब अल्फा निकल गया तो आप किसका वैल्यू निकाल लेंगे? के का, ठीक है। के इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा। कंसंट्रेशन देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है, 0.025 यानी 0.025 इंटू, अभी अल्फा निकाले हम लोग 0.114 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.114।